दोस्तों एक ऐसी सभ्यता जो अपने रहन सहन के लिए जानी जाती थी एक ऐसी सभ्यता जिसके लिंक एलियंस तक से थे एक ऐसी सभ्यता जिसके राजा और रानियां दोनों ही बहुत ताकतवर थे और एक ऐसी सभ्यता जिसकी रानियां जितनी खूबसूरत थीं उससे कई ज्यादा रहस्यमयी थीं। आज की वीडियो में हम आपको इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी दोस्तों हम सबको पता है कि मिस्र की सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई थी ये सभ्यता इक्तीस सौ पचास ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई मिस्र की सभ्यता और वहां की संस्कृति में स्त्रियों का एक अलग योगदान रहा है मिस्र की सभ्यता का काफी लंबा शासन रहा है इसलिए मिस्र की सभ्यता को तीन ऐतिहासिक कालों में विभाजित किया गया है सबसे पहले आता है प्राचीन राज्य जो कि लगभग 2649 से 2040 ईसा पूर्व के मध्य रहा फिर शुरुआत होती है मध्य राज्य की जो कि लगभग 2040 से 1550 ईसा पूर्व तक चला और फिर शुरुआत होती है नवीन राज्य की जो कि लगभग 1550 से 1070 ईसा पूर्व तक चला दोस्तों हमने आपको ये सब बातें इसलिए बताई क्योंकि मिस्र के ये तीन काल हर चीज में एक दूसरे से अलग थे और आप YouTube पर या कहीं पर भी मिस्र से जुड़ी कोई जानकारी सर्च करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मध्य और नवीन काल की ही जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों इन तीनों काल में एक चीज समान थी वो ये कि इन तीनों काल में मिस्र की स्त्रियां हर चीज में प्रधान थी उन्होंने समय पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और मिस्र सभ्यता में हुए आदमी चाहे वो राजा हो या प्रजा का कोई भी आम आदमी सबके अंदर स्त्रियों का डर दिखता था यही कारण था कि तीनों काल में ही मिस्र की सभ्यता के लोग देवी शक्ति की पूजा करते थे वो पारो नामक देवता की भी पूजा करते थे मिस्र के सम्राट जिन्हें सब फाराओं के नाम से जानते थे वो जनता द्वारा जीवित देवताओं की तरह ही पूजे जाते थे दोस्तों प्राचीन मिस्र में चीजें इतनी खराब नहीं थी जितनी की बाद में हो गई थी क्योंकि प्राचीन मिस्र में मिस्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र था वहां पर फराओं तो था लेकिन वो सब एक परिवार की तरह था और फराओं के राज्य में हमेशा कुछ मंत्री लड़कियों और औरतों की भर्ती के लिए नियुक्त रहते थे असल में प्राचीन मिस्र में औरतों के लिए नियम ये थे कि अगर उनका कोई नहीं है या फिर किसी घटना में उनके माता पिता या परिवार की मृत्यु हो जाती है या फिर उन्हें कोई और परेशानी है तो फिर वो किसी भी समय फाराहों से मिल सकती हैं और अगर वो चाहें तो राज परिवार में भी शामिल हो सकती हैं बस अंतर ये होता था कि राज परिवार में शामिल होने के बाद उन्हें राज्य की मर्यादाओं का ख्याल रखना पड़ता था दोस्तों लेकिन लड़कियों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती थी राज्य में शामिल होना क्योंकि राज्य में शामिल होने से पहले उन्हें कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था इनमें से कुछ परीक्षाएं कभी कभी बहुत तकलीफ देने वाली होती थी और कुछ परीक्षाएं ऐसी होती थी जिसमें बहुत मज़ा आता था शुरुआत में इन लड़कियों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाता था फिर इन्हें अच्छे से परखा जाता था और इस पूरे काम में महल की बूढ़ी दासियां होती थीं, और वो इन लड़कियों के कपड़े उतारकर इनके शरीर के हर एक अंग को बखूबी चेक करती थीं। ये काम बूढ़ी दासियों द्वारा इसलिए किया जाता था ताकि वो ये देख सकें कि ये लड़कियाँ आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करने में सक्षम हैं कि नहीं फिर इन लड़कियों को अच्छे से जांचने के बाद और कई तरह की जांच होती थी जैसे कि लड़कियां किस किस कौशल को जानती हैं जैसे कि नाचना गाना तलवारबाजी आदि ये चीज़ें इन्हें आती हैं या नहीं मिस्र में हमेशा नाचने वाली लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती थी इन सारे परीक्षणों के बाद इन लड़कियों को उनके कद काठी के हिसाब से कोड़े मारे जाते थे जो लड़की इस कूड़े की मार को सह जाती थी वो राज्य में शामिल होने के योग्य होती थी और जो लड़की रो देती थी उन्हें एक अलग समूह में शामिल करके महल के अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था इसके बाद कोड़े मारे जाने वाली लड़कियों के शरीर पर घी शहद हल्दी और बेसन का पेस्ट लगाकर उन्हें दूध से नहलाया जाता था और कुछ अलग प्रकार के इत्र उनके बदन पर छिड़के जाते थे और अब इन्हें 16 दिनों तक बिना कपड़ों के अलग-अलग कमरों में ठहराया जाता था यहां बता दें कि ऐसा नहीं होता था कि इनके बदन पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते थे नहीं इन लड़कियों को एक सफेद जालीदार कपड़ा दिया जाता था जिससे ये अपने बदन को सिर्फ ढक सकती थी इस जालीदार कपड़े को पहनने के बाद इन लड़कियों की खूबसूरती और बढ़ जाती थी 16 दिन के बाद फराव इन सारी लड़कियों के साथ मिलता था और रात बिताता था और इन सारी लड़कियों में फराओं के मन को जो लड़की सबसे ज्यादा भाती थी उसे ही फराओं की पत्नी बनने का सुख मिलता था और वही राज्य को आगे भी बढ़ाती थी और बाकी की बची लड़कियां मनोरंजन के लिए इस्तेमाल की जाती थीं प्राचीन मिस्र में औरतों के ऊपर अत्याचार और लड़कियों के साथ बलात्कार आदि ऐसी खबरें बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलती थीं लेकिन धीरे धीरे समय बदला और प्राचीन समय गुजर गया और मिस्र में नया रेवोल्यूशन हुआ ये रेवोल्यूशन मिस्र में कई सारी अच्छी चीजें लेकर आया जैसे कि मिस्र की सेना पहले से काफी अच्छी और मजबूत हो गई थी सेना के पास आधुनिक हथियार आ गए थे जिसकी वजह से लड़ाई को जीतना आसान हो गया था महलों की इमारतें ऊंची ऊंची बना दी गई थी लेकिन इतने सारे अच्छे बदलावों के साथ कुछ बदलाव बहुत बुरे भी थे बुरे बदलावों में सबसे बड़ा बुरा बदलाव ये था कि अब मिस्र में तानाशाही चरम सीमा पर थी मिस्र के देवी देवताओं से ज्यादा फराओं को अब अपनी शक्तियों पर भरोसा होने लगा था अब पहले जैसा कुछ नहीं था ना तो किसी लड़की को किसी तरह से जांचा जाता था और न ही किसी लड़की का कौशल देखा जाता था फराओं को जो खूबसूरत लड़की दिखती थी वो उनकी हो जाती थी और इन सब चीजों को बढ़ावा दिया मिस्र के कुछ अयाश फराओं ने जिन्हें हर समय केवल अपनी अयाशी दिखती थी उन्हें अयाशी के सिवा कुछ नहीं सोचता था जब मिस्र की गद्दी पर अखानातन नाम का एक सन की फराओ बैठा तो उसने सबसे ज्यादा गंदगी मचाई उसने अपनी ही तीन बेटियों मेरी तातेन, तातेन और सुनामून से ही संबंध बनाकर यह ऐलान कर दिया कि हमारे शाही परिवार के बीच कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता बता दें कि वो इस कदर पागल हो गया था कि उसने अपनी तीन बेटियों की हालत बुरी कर दी थी जिसके बाद उसकी सबसे छोटी बेटी मेकी तातेन की मौत अपने बाप यानी कि अखनातन के बेटे को जन्म देने के समय ही हो गई थी ऐसे ही जब मिस्र की गद्दी पर किलोपेट्रा बैठी तो उसने अपने हिसाब से मिस्र की सभ्यता को चलाया उसकी ठाट देखकर उस समय रोमन एम्पायर का सबसे क्रूर तानाशाह जूलियस सीजर भी हैरान हो गया था और वो मिस्र की तरफ रवाना हुआ लेकिन जैसे ही उसने किलोपेट्रा को देखा तो उसे देखते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि केलोपेट्रा चीज ही कुछ ऐसी थी लेकिन सीज़र भी कुछ कम नहीं था। उसके बाद उसने से शादी का प्रस्ताव रखा और केलोपेट्रा ने अपनी मर्जी से उससे शादी कर ली लेकिन केलोपेट्रा ने मिस्र में रहकर ही मिस्र की सल्तनत को चलाया दोस्तों केलोपेट्रा एक ताकतवर महिला थी जिसने मिस्र की गद्दी पर बैठकर वहां के कई नियम बदल दिए थे जहां पहले मिस्र में नए जोड़ों की शादी के बाद देवी की पूजा होती थी और महल की रानियों को सजाया जाता था वहीं अब मिस्र की ये सारी रस्में केलोपेट्रा ने खत्म कर दी थी इस समय भी मिस्र में कुछ फराओं थे जो अपनी मनमानियां करते थे वो लड़कियों के साथ जिस्मानी रूप से अपने जिस्म की तृप्ति करते थे और मिस्र के फराओं की ये तृप्ति सारा दिन चलती थी जैसे कि पहले मिस्र के फाराओं के बनाए नियम के अनुसार वो दिन में किसी भी महिला के साथ अंतरंग नहीं हो सकते थे लेकिन अब वो ज़्यादातर दिन में ही महिलाओं के साथ कक्ष में पड़े रहते थे ये सब नियम जूलियस सीजर अखानातन और क्लियोपेट्रा की वजह से खराब हुए थे दोस्तों बता दें कि क्लियोपेट्रा मिस्र की एक ऐसी रानी थी जिसे मिस्र की सबसे चालाक रानी कहा जाता है जबकि नेफरतीती को मिस्र की सबसे सुंदर और समझदार रानी कहा जाता है और दोनों के नियमों में जमीन आसमान का अंतर था किलियोपेट्रा मिस्र की पहली राजकुमारी थी जो कि रोज दूध से नहाती थी और खाने में मिमने का भुना हुआ गोश्त खाना पसंद करती थी किलियोपेट्रा दूध से नहाने के बाद अक्सर अपने भाई से मिलती थी क्योंकि वो मिस्र की अकेली ऐसी रानी थी जो कि अपने भाई से इतना प्यार करती थी जितना कोई अपने पति से भी नहीं कर सकता उसके कई पति थे लेकिन आधिकारिक तौर पर उसके दो पति थे पहला जूलियस सीजर और दूसरा मार्क एंटनी जबकि उसके दो भाई थे पहला टोलमी थर्टीन और दूसरा टोलमी फोर्टीन केलियो पेट्रा अपने इन दोनों भाइयों से प्यार करती थी और इन दोनों भाइयों को भी उसने अपना पति बना लिया था मिस्र में ये परंपरा थी वहां पर अपने भाई से ही विवाह का चलन था और राज परिवार भाई बहन की शादी करकर उनको सत्ता पर बिठा देते थे इसी परंपरा का इस्तेमाल के ने अपनी जिस्मानी आग को ठंडा करने के लिए किया वह अक्सर सुबह नहाने और मेमने का गोश्त खाने के बाद अपने भाइयों से जिसमानी संबंध बनाती थी और तब तक दोपहर हो जाती थी और दोपहर में वो राज दरबार में जाकर बीते दिन की खबर लेती थी जिसमें धन सैनिक और नई लड़कियों की खबरें होती थी महल के दास गृह यानी कि हरम में आने वाली नई लड़कियों को सबसे पहले किलियोपेट्रा से ही मिलवाया जाता था जो लड़की किलियोपेट्रा को उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी वो उसे वहीं मार देती थी ताकि उसके पति और भाइयों का मन उससे भर ना जाए इसलिए उसे पूरे इतिहास की सबसे क्रूर रानी भी कहा जाता है जबकि मिस्र की फेमस क्वीन नेफर तीती ऐसी नहीं थी वो सुबह उठकर सबसे पहले गुलाब जल से नहाती थी और सैनिकों के साथ जनता का रुख लेने के लिए निकलती थी क्योंकि वो जानती थी कि जनता ही सब करता धरता है नेफरतीति के बारे में कहा जाता है कि उसने कई लोगों का भला किया और गरीबों को कई तरह की सुविधाएं दीं जबकि केलियोपेट्रा ऐसा नहीं करती थी दोस्तों ये दोनों ही मिस्र की एक मजबूत शख्सियत रही हैं नैफरती केलियोपेट्रा से ज़्यादा खूबसूरत थी लेकिन वो अपने शरीर को इतना आराम नहीं देती थी जितना कि केलियोपेट्रा देती थी पेट्रा अपने शरीर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नए कारनामे करती ही रहती थी एक मौलवी ने उससे कहा था कि अगर वो किसी आदमी की बलि देवी को देती हैं, तो उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी जिसके बाद उसने ऐसा ही किया और जब जब उसे लगता था कि उसकी खूबसूरती में कुछ कमी हो रही है तो वो किसी ना किसी को पकड़कर उसकी बलि दे देती थी केलियोपेट्रा के बारे में एक बात और चर्चित है वो ये कि केलियोपेट्रा रात में उल्लू का मांस खाती थी उस समय के प्रसिद्ध मौलवी ने केलियोपेट्रा से कहा था कि उल्लू का मांस खाने से इंसान जवान बना रहता है बाद में इसी मौलवी और क्लियोपेट्रा के बीच प्रेम संबंध भी हो गए थे मिस्र के पहले के दास गृह यानी कि हारम में कोई भी लड़की ऐसी नहीं भर्ती की जाती थी जो कि काली हो लेकिन क्लियोपेट्रा ने अपने समय के दासगृह में अधिकतर लड़कियां काली ही भर्ती कर रखी थी ताकि फराओं का ध्यान उन पर जाए ही ना इन सब के अलावा मिस्र की रानियों की दिनचर्या में एक चीज और शामिल थी ये रानियां रात के समय महल में बने कसाई खाने में जाकर मांस काटती थी उसके बारे में इतिहासकारों ने भी कुछ खास नहीं लिखा है उनके मुताबिक शायद उन्हें ऐसा करने में अच्छा लगता होगा और ऐसे ही नियम तब तक होते रहे जब तक मिस्र का साम्राज्य खत्म नहीं हो गया था दोस्तों मिस्र के साम्राज्य की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर आज भी इतिहासकार और पुरातत्वविद खोज कर रहे हैं क्योंकि मिस्र की सभ्यता सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन सभ्यता है इस सभ्यता के बारे में अभी हम सिर्फ एक प्रतिशत ही जानते हैं निन्यानवे प्रतिशत आज भी राज है वैसे आपका क्या कहना है प्राचीन मिस्र के बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें धन्यवाद